one that you check. The one that doesn't need to check. Not Jason. Yeah. आवाज गूंज के आनी चाहिए बोलो सत्य सनातन धर्म की। आज के हमारे रामलीला के मंचन के उत्सव पर और यहाँ पुंछ के अंदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप टेक्निकल ऑफिसर हैं, हमारा परम सौभाग्य है कि आज आप हमारे रामलीला के कार्यक्रम में आए। इनके साथ हम सबके परिचित पुंछ के हर धार्मिक कार्यक्रम में आगे रहने वाले हमारे बड़े भाई सरदार राजेंद्र सिंह जी, वो भी हर वर्ष जो है उनका सहयोग जो है रामलीला के अंदर रहता है। केवल रामलीला के अंदर नहीं, हर प्रकार का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो तो आगे की पंक्ति में आपको नजर आएंगे। और उन्हीं के साथ जगमीत सिंह जी हमारे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हमारे पहुंच गए हैं। तो मैं आज के उपलक्ष्य पर मैं सरदार राजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके सामने अपने विचार रखें। बोलो सत्य सनातन धर्म की। बच्चे और मेरी बहनों, हर वर्ष की तरह श्री सनातन धर्म सभा में ये जो प्रभु राम जी के आगमन पे ये रामलीला का कार्यक्रम दिखाया जाता है, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि यहाँ आप सब बच्चों को या बहनों को बुलाकर यहाँ एक शो करना है, लेकिन इसका मकसद ये भी है कि जो हमारी तहजीब है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा विरासत है, जो हमें हमारे धार्मिक स्थलों से मिलता है, हमारी प्राचीन गाथाओं से मिलते हैं, उसे नए पीढ़ी में नए परिवार में कैसे उजागर करना है। मैं आज के दिन के माफ़ से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, प्रधान साहब को मौज लेता हूँ, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो इस मंच पर तरह तरह के नाटक करके आपको डुबाते हैं और इस कार्यक्रम के लिए हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, इसे किस प्रकार ने नई जनरेशन को, नए बच्चियों को ये समझाना प्रभु राम जी के जीवन का लक्ष्य क्या था, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर मैं प्रधान जी को, उनकी सारी टीम को और मंच के जो महान कलाकार है खासकर बाली साहब, जो बड़ी मेहनत करके आप सबको मंच के माध्यम से रोमांचित देते हैं और ये भी समझाते हैं कि हमारा जो धर्म है, प्राचीन जो सनातन धर्म का, उसका मकसद क्या था और उसे हम आगे ले जाएं ताकि यहाँ हमारे इस इलाके में शांति हो, अमन हो। जब भगवान शिव की आराधना सभी करते हैं और सबसे बड़ी बात है इसमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पार्ट प्ले करते हैं और इसी के साथ वो अपनी स्तुति प्रस्तुत कर सकता है। देखिए हमारा पहला थीम ये भी नाम है कैलाश।
अच्छी है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो भूल भक्षण ना करो, पीछे भी चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए जो तुमने खो दिया। खालियत आए खालियत ले, जो आज तुम्हारे कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। यही पुनर्जन्म तुम्हारे प्रभु का कारण है, पर बच्चन संसार का नियम है जिससे तुम मृत्यु समझो। विचार से हटा दो, ये सब तुम्हारा है, तुम सकते हो। ये जलवायु स्थिति आकाश बन है, तुम आना सीखो। तुम क्या तुम अपने आप को भगवान की कैसे करो, भरत से भय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। आप कुछ भी कहिए,
तुम्हारा कहना सत्य है, हमारी अपनी रक्षा के लिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, परंतु भरत को पहले निकट तो आ जाने दो लक्ष्मण। ठीक है भैया, इससे उसकी ये परीक्षा भी हो जाएगी। लक्ष्मण वो देखो, भरत तो बेचारा निहत्था ही यहाँ थोड़ा चला आ रहा है। आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है।
मैं ऐसे राज पाठकों में दूर से शुक्रता हूं जिनके कारण रघुवंश भाई अलग न हो गए पिताजी के प्राण चले गए माताओं के हृदय फटी हो गए मैं अपने राज पाठकों दूर से शुक्रता हूं भैया दूर से शुक्रता हूं प्यारे भरत अब तो मैं 14 वर्ष के बाद आपकी सेवा कर सकूं भैया सेवा कर सकूं भरत तुम ऐसी बातें करके मेरे धर्म मार्ग पे बाधा उत्पन्न मत करो भरत भरत यदि हम सब वनों को रहेंगे तो राजपाट का क्या होगा हमारी माताओं का क्या होगा भरत इस प्रकार की बातें मत करो और यहां से लौट जाओ आपका यही धर्म है मेरे लिए एक प्रार्थना सुनो कहो भरत आप अपनी जन्म पात्रता देके मुझ पर एक उपकार करो भैया ताकि मैं ये जन्म पात्रता राजपाट स्नातन कर रखे राजपाट ला सकूं परंतु भैया मेरे भी एक प्रार्थना सुनो अगर 14 वर्ष में एक दिन भी विलंब हुआ भैया एक दिन भी विलंब हुआ तो इस धर्म को ऐसा ही होगा मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण किए देता हूं मैं तुम्हें अपनी चरण पात्रता देता हूं और तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं भरत 14 वर्ष से एक दिन भी विलंब नहीं होगा ठीक है भैया
एक भी मान आपके समक्ष हेलो तो मेरा साथ दे रहे हैं हरमिंदर जीत राही जी और कपले पर सब दे रहे हैं शंकर जी वो वहीं पर बैठे हुए बजाएं तो आप सब ताली बजाएं ترجمة
हां
हमारी पांच उंगलियां धीमे होंगी। मुझे तो तुम दोनों में से किसी एक से भी बात करना है, तुम ना सही तो वही सही। हेली, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरा नाम स्रोत रखा है और मैं सेवा करने आई हूं। मैं समझा नहीं हेली, तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है, मुझे तुमसे विवाह करना है। नहीं नहीं देवी, मैं पहले से विवाहित। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता है। चिंता मत करो, इस कदम में अभी जाओ देवी, आप जाओ। वो वहां मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, अगर आप उसको मोहित कर सको तो वहां चले जाओ। तुम बहुत पछताओगे बड़े आए पत्नी वाले। तुम मेरा नहीं, लगता है तुम्हारी दाल बन नहीं गई। किसकी बात कर रहे हो, उस सावले की? असल में तो मेरा दिल मोहित तुम पर हुआ है। बड़ी मैं शर्म होगी तुम। हाय हाय, गुस्से में तुम अति सुंदर लगते हो। अब तो मैं तुम्हारे गले का हार बनकर ही छोड़ूंगी। और किस प्रयोजन से यहां आई, कहीं लक्ष्मण किसी संकट में न गिर गया हो। लगता है मुझे वहां जाना चाहिए, परंतु अगर मैं गया, देखो देवी। तुमने क्या सोचा, इतनी जल्दी पीछा छोड़ दूंगी तुम्हारा? पता भी नहीं, मैं ये देखना चाहती थी कि मैं ऐसे घूमती फिरती कहीं जाती हूँ, तुम्हारे भी दिल में कुछ है मेरे लिए या नहीं। अब तो मैं तुम्हारे गले का हार बनकर ही सांस लूंगी। लगता है तुम मैं से नहीं मानोगी। मेरी नाक काट दी, मेरी नाक काट दी। हाय, लगता है तुम मेरे भाई को नहीं जानते। मैं लंकापति रावण की बहन हूं। तो क्या हुआ, लंकापति रावण की बहन हो? मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षा करेंगे।
میری ناک کاٹ دی ہائے ہائے میری ناک کاٹ دی ہائے ہائے میں مر گئی میری ناک کاٹ دی ہائے ہائے میں مر گئی تم سب نے بے شرم بیچ کھائی ہے ارے یہ تو بین ظلم لگا ہے ha 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 ha
होगा।
پیدا ہی نہیں ہوا ہے ہم نے وجے پراپتی کی ہے ہماری سینا دن با دن بڑھتی جا رہی ہے ہر طرف وجے پراپتی کر رہی ہے اور دوکن مارے گئے کار اور دوکن میں کون مار سکتا ہے وہ تو ویر یودھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہائے میری ناک ہائے ہائے میری ناک دعائی ہو یہ تو بہن سنندا کا کی آواز ہے یہ کیا ہوا خون سے لگ پر لنگا پتی کے ہوتے ہوئے میرا یہ حال ہے کس نے تیری جگہ دشا کی ہے اس کا نام بتاؤ آج ہی اس کا سر دشاوا کر دوں گا یہاں سے تھوڑی ہی دور دو بنواسی چھوکرے انہوں نے یہ میری دشا کی ہے میں یوں ہی ون میں گھوم رہی تھی انہوں نے میرا مذاق اڑایا اور میری ناک کاٹ دی ان کا نام رام اور لکشمن ہے اور ان کے ساتھ ان کی ایک سندر پتنی سیتا بھی ہے ان کے ساتھ سندر استری سیتا بھی ہے جی مہاراج بہن سن لگا تیرے اس اپمان کا بدلہ میں ضرور لوں گا میں اس کی پتنی کو ہرن کروں گا اور تیرے اپمان کا بدلہ لوں گا لنکیش کا بھرپت ہے
फिर भी आगे करे महाराज सुनो मारिच तुम्हें इसी समय मेरे साथ पांच बटी चलना होगा बस छोटा सा कार्य है वहां पे आपको करना होगा और मारिच मैं जानता हूं फेस बदलने में तुम्हारा मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता तुम्हें वहां पर जाना होगा और सोने का मृग बनना होगा और वहां पे दो राजकुमार हैं सुना है उनका नाम राम और लक्ष्मण है और हां उनके साथ एक सुंदर स्त्री सीता भी है बस मारिच तुम्हें क्या करना है वहां पे जाना है सोने का मृग बनना है और उनके सामने चले जाना है बस जैसे ही उनका ध्यान भटकेगा तुम्हें वहां से चले जाना है और क्या कर तोरे खुद रावण करेगा उन राम लक्ष्मण की बात कर रहे हैं जिन्होंने मेरे छोटे भाई सुबाहु को मारा था क्षमा करें महाराज मैं ऐसा गौरव कदा भी नहीं कर सकता महाराज खमा क्या कहा तुम्हारा मैं तेरा सर अभी तो शहरा कर दूंगा हे लंकेश बिना वजह मरने से अच्छा है कि इनकार ही कर दूं महाराज महाराज मुझे रामजान मत दीजिए महाराज आपके हाथों से मरना अच्छा है कि मैं प्रभु श्री राम के हाथों मरूं श्री राम आपके हाथों से मरने से मुझे नरक लोक मिलेगा अगर मैं प्रभु श्री राम के हाथों मरता हो तो मुझे वैकुंठ प्राप्ति होगी महाराज आपका हर कहना मैं मानने को तैयार हूं महाराज तो चलिए महाराज चलते आप आए ना सीधे रास्ते में चलो मेरे साथ पंचवटी पंचवटी हां सीता देखो कितने आराम से घूमता है कितना सुंदर लग रहा है वास्तव में सीता इतना सुंदर मृग मैंने पहले कभी नहीं देखा इसे पकड़ने की क्या आवश्यकता है सीता हमारी कुटिया के निकट ही तो है देखो कितने प्यार से विचरण कर रहा है ठीक है सीता कैसी तुम्हारी इच्छा लक्ष्मण मैं ब्रिज को पकड़ने जाता हूं तुम सीता का ध्यान रख मैं अभी से पकड़ कर लाता हूं जो आप किया तकलीफ आप काम करना चाबी मुझे देखना मैं एक पेड़ को मालूम घर से पकड़ा रहे हैं चलो बहुत बढ़िया आप 7 बजे जाओ महाराज को मालूम है मुझे फोन करना
بجے جاؤ، 6 بجے جاؤ، اور بولو 4 بجے جاؤ. छोड़ मुझे छोड़ गुरु हां भाई
سندری کو چھوڑ دے سوامی بچاؤ رومن گری پٹرولی بنو گی اب میں سوامی تمہیں بچانے نہیں آئے گا اب رومن ہی تیرا سوامی ہے لكمان
गिरिराज को जल पिलाओ और उसके खाप ठीक करने के लिए इस पर कोई दवा लगाई जाए। मेरी ये बेटा मेरी मृत्यु आपके चरणों में हो रही है। हमारे हृदय की कितना जगाई हो हमें छोड़कर चले गए। तुम जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके गिरिराज जटायु का अंतिम संस्कार करो। जो आज्ञा भैया। गिरिराज जटायु ने तो हमें वहीं से आगे जाने का मार्ग बताया था, परंतु अभी तक माता शबरी का कोई भी पता नहीं चला। वो किस कुटिया में रहती है और कहाँ रहती है? जी भैया, हमें थोड़ा आगे जाके देखना चाहिए। हमें किस ओर चलते हैं? ठीक है भैया। राम माता, हम माता शबरी के द्वार पे जाना चाहते हैं, क्या आप हमें उनका पता बताएंगे? माता शबरी आप हैं कौन? मेरा नाम राम है और मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। आप आगे प्रभु मैं धन्य हूँ प्रभु, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी प्रभु। आप आगे प्रभु आज मेरी वर्षों की तपस्या जो है वो सफल हुई। आप अपने चरण कमल मेरी कुटिया में रखिए प्रभु, इन फूलों से चल के आइए प्रभु, आइए प्रभु, प्रभु विश्राम कीजिए, प्रभु आप थक गए होंगे। बैठिए महाराज। नहीं नहीं माता, ऐसा मत कीजिए। माता, मैं पहले ही आपके इतने भरे अक्षरों से पवित्र हो चुका। प्रभु मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, कई वर्षों से मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरे गुरु ने बताया था कि प्रभु राम इस मार्ग से आएंगे। प्रभु आपको भूख लगी होगी, मैंने आपके लिए सब कष्ट किए हैं। हाँ माता, मैं लाता हूँ भूख तो बहुत, मैं लाती हूँ प्रभु। लीजिए प्रभु, ये मैंने पुत्र लाए हैं प्रभु, मैं चक्कर लाए हूँ प्रभु, एक एक फल को मैंने चक्कर लाया है। बहुत मीठा है माता। लक्ष्मण तुम भी खाओ, तुम क्यों नहीं खा रहे? अच्छे लगे ना प्रभु? बहुत मीठे हैं माता। मीठे हैं ना? बहुत अच्छे। ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है इस वन पे। माता ऐसे 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 सुंदर फल खाके माता को कौशल्या भी याद आ, ऐसे फल तो मुझे मिले।
प्रभु इस वक्त मेरे हित है कृपा से 12 महीने सफल लगते रहते प्रभु धन्य है माता धन्य है आपके गुरु आप इतनी भाग्यशाली माता आपको अपनी गुरुदेव की सेवा करने का मौका मिला आप धन्य है माता आप माता आपकी सेवा का ये पुण्य है जो मुझे आपके दर्शन प्रभु राम आपके दर्शन के लिए ही मैं तेरे जन्मों से यहाँ प्रतीक्षा कर जब आपके शिष्यों के आने का समाचार मुझे मेरे गुरुदेव से मिला तभी से मैंने आपकी प्रतीक्षा करनी प्रारंभ की उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रभु राम अपनी पत्नी की खोज में मेरी कुटिया में आएंगे हाँ माता हम पंचवटी ठहरे थे तो वहीं से दुष्ट रावण ने सीता का हरण कर लिया बस उसी की खोज में वन वन भटकते थे रास्ते में जिस राजनेताओं से थे उन्होंने ही हमें आपके पास आने का मार्ग बताया माता क्या आप हमें वानरराज सुग्रीव तक जाने का मार्ग बता सकते हैं आपको यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने पर एक सुंदर सरोवर मिलेगा उसके पास जो पर्वत शिखर दिखाई देंगे महाबली शिखरों में रहते हैं माता अब हमें आप जाने की आज्ञा दें प्रभु मुझे स्वर्ग का मार्ग दिखाइए मेरा उद्धार कीजिए मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था कि प्रभु राम ही आपका उद्धार करेंगे आप मुझे मेरे मार्ग की ओर भेजिए और आप महाराजा सुग्रीव की ओर चलिए आपका कल्याण होगा माता अब आप हमें आज्ञा दें जो आज्ञा